बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला के फ़ज़ल और मेहरबानी से इस वक्त मिस्र में जो मकाबिर औलिया है, इस अज़ीम कब्रिस्तान में जहाँ सहाबा और अहले बैत इज़ाम की कुबूर हैं, यहाँ पर हज़रत इमामुल आइमा सैयदना लैस बिन साद की कब्र मुनव्वर पर मैं हाज़िर हूँ। सैयदना लैस बिन साद हज़रत इमाम मालिक के ज़माने के हैं। असलन आप फ़ारसी और इस्फहान के रहने वाले थे, लेकिन यहाँ तशरीफ़ ले आए और फिर इल्म में, इल्म हदीस में और फ़िक्र में इस दर्जा कमाल हासिल किया कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लैसु अफ़क़हु मिनल इमाम मालिक बिन अनस, कि हज़रत लैस बिन साद फ़िक्र के अंदर और हदीस के अंदर हज़रत इमाम मालिक से ज़्यादा बड़ा मकाम रखते हैं। बहुत बड़े मुहद्दिस। जब आपका विसाल हुआ तो अहले मिस्र एक दूसरे के गले रख कर धाड़े मार कर रोते थे कि हमसे इल्म का इतना बड़ा पहाड़, इतनी बड़ी चट्टान और इतना बड़ा आफ्ताब गुज़र गया। आपकी याद में आज भी लोग यहाँ पर कसीर तादाद में हाज़िर होते हैं, हमारी सादत है यहाँ हाज़िर हैं। और यहाँ मेरे साथ इस वक्त जामियतुल अज़हर के तलबा मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ उज़्बेकिस्तान से है, ये भी यहाँ बड़ी अकीदत के साथ हाज़िर हैं। अल्लाह ताला हमें हज़रत लैस बिन साद के ज़ुहद व तक़वा और आपके इल्म व इरफान का फैज़ नसीब फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।